हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, आज की जो न्यूज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होने वाली है। जिस भ्रम में आप जी रहे हैं, जो यूट्यूबर्स ऐसी ऐसी बात आपको बता रहे हैं जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, आज सबका मैं खंडन करूँगा, उन पर आलोचना करूँगा। देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए, आज 6 सदस्यों और एक अध्यक्ष के ऊपर एक विज्ञापन जारी होने वाला था। यह विज्ञापन इसलिए जारी होता कि जितने भी 6 सदस्य चुने जाएंगे वही उच्च शिक्षा सेवा आयोग में कार्यभार को संभालेंगे, लेकिन किसी कारणवश आज वो विज्ञापन जारी नहीं हो सका। बहुत ही दुख वाली बात है। यदि आज हो जाता तो आने वाले टाइम में एक हफ्ते के अंदर अंदर इन सदस्यों की नियुक्ति आराम से हो जाती। हो सकता है कि शायद कल इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए और इसमें जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जिससे जो हमारी भर्तियाँ अटकी हुई हैं उनको पूर्ण कराया जाए, चाहे वो TGT PGT हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। दूसरी बात, आपको पता है, आपको शायद आपने सुना भी होगा कि UP TGT PGT में एक नया विज्ञापन जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगाई जा रही हैं, जो कि पूर्णतः हद तक सही हो सकती है, लेकिन कुछ महान विभूतियाँ, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ये कह रही हैं कि जो नई भर्ती होगी उसका जो पैटर्न होगा बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो मेरा मानना है कि जो भी यूट्यूबर्स या कोई भी व्यक्ति आपको बढ़िया बता रहा है कि जो नई TGT PGT भर्ती आएगी उसमें टेट या BEd लागू होगी, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उसको कमेंट करिए, उससे पूछिए कि क्या आप उस आयोग में रह रहे हैं या आप भूतपूर्व वहाँ के अधिकारी रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूर्णतः अस्थाई हैं और इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। चंद व्यूज़ पाने के लिए ये लोग ऐसी ऐसी न्यूज़ बताते हैं जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित और डर जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि कोई भी नोटिस जारी होता है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। देखिए, जब भी आयोग कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी एक्शन मतलब कोई प्रोग्रेस, कोई भी आपको नोटिस देता है या आपको नेगेटिव मार्केटिंग या कुछ भी जगह आपको देता है, सबसे पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड करता है जहाँ पर जाकर के आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, बिना लिखित परिणाम के आप किसी पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें। आप एक पढ़े लिखे और एक अच्छा गुणवत्ता व्यक्ति हैं, तब से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसी भ्रामक बातों पर बिल्कुल भी ना डालें। ये BEd लागू होगी, ये टेट लागू होगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पूर्वत भर्तियाँ होती आई हैं TGT PGT में, उसी आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।